हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत है? हम ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप सब ठीक हैं? खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। और आज आपको सरप्राइज़ रिवील कर देते हैं कि आज हमारे घर आ रहे हैं एक यूट्यूबर्स। कौन आ रहे हैं आज हमारे घर, बता दें? बता दें तो हमारे घर आ रहे हैं अक्सा अली ब्लॉग से, अक्सा आपी और अली भाई और उनकी प्यारी सी बेटी, जिसका हमें शिद्दत से इंतज़ार है। बहुत अरसे से जो है वो उनको फॉलो कर रहे हैं और आयशा से मिलने का हमें बहुत शौक़ था। तो आज वो हमारे घर आ रहे हैं और उसकी तैयारियां चल रही हैं, किचन में चल रही है कुकिंग, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम लोग जो है वो अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लेके आप लोगों के लिए आए। हाँ जी बिल्कुल, हम आपका वेट आप हमारा वेट करें। इंशाल्लाह शाम में आपको उनसे मिलवाएंगे भी, और अभी क्या घर में तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या खाने बनने हैं, वो सब आपको हम दिखाएंगे भी। तो चलते हैं किचन में, आपको दिखाते हैं सब खाने क्या क्या बन रहे हैं। ओके। हाँ जी, हाँ जी, तो अब चल रही है कुकिंग की तैयारी। हम जो है वो बना रहे हैं कोफ्ते में, काट रही हूँ प्याज, साथ साथ हम जो बना रहे हैं वो क्लिप्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे जी। रेसिपी भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ, रेसिपी भी दिखा रहे हैं। रेसिपी अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम जरूर शेयर करेंगे। अनियन जो है वो मैं काट के फ्राई करती हूँ। क्या कह रहे हो आप? अच्छा जाओ बनाना खा लो। और टमाटर जो है उसका पेस्ट बनाकर खा लेंगे। टमाटर जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करने हैं ताकि ग्रेवी अच्छी से बन जाए। और इसके सही है, ये होता रहेगा। हाँ, ब्राउन करके ना इसको हम निकाल लेते हैं ब्राउन करके, और फिर इसको पीस के डालते हैं। ये रेसिपी आती तो भी सिखा रही हूँ साथ साथ। हाँ, नेक्स्ट टाइम ये पकड़ेंगे। क्यों, मैंने कुक बनना है। ये मसाला जो है ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हम कोफ्ते डालेंगे और कोफ्ते भून के बस इसको रख देंगे पानी डाल के। और ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। और कोफ्ते जो है ना वो मैं कीमा रेडी करके ना इनको बना के फ्रीज कर लेती हूँ। अगर कहीं मतलब कोई दावत वगैरह को डिनर शिनर प्लान हो, उससे जो है ना बहुत आसानी हो जाती है। वो छोटी छोटी टिप्स और बिरयानी का मसाला भी मैंने जो है ना बना के कल फ्रिज में रख दिया था। बस ये कोफ्ते भून के इसमें हम पानी डाल दें और प्याज जो है ना वो मैं बिल्कुल एंड में डालती हूँ ब्राउन अनियन का पेस्ट बना के। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, बहुत मज़े के कोफ्ते बनते हैं। ये कोफ्ते जो है तकरीबन पूरे हो चुके हैं, बस हल्की सी इसको मैं दम पे रख रही हूँ। और कर रहे हैं हम लबे शीरी की तैयारी, आज बना रहे हैं लबे शीरी। ठीक है, अभी मैं रेसिपी नहीं आप लोगों को बता रही, बस ऐसे देखते रहें। ऊंचा बोला आवाज़ कर। ये फ्रूट्स डाल रही हूँ इसमें, मिक्सचर जो हमने रेडी किया था, लबे शीरी बना रहे हैं मीठे में। बस अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए, और फिर जेली वगैरह के साथ सर्व करेंगे। फ्रिज में रखते हैं या फ्रीजर में? फ्रिज में। अच्छा, इस पर अभी जेली भी लगेगी, सब कुछ मिक्स होगा, ये हम एंड में दिखाएंगे। अच्छा, ये कोफ्ते बनाए, ये बनाए, और कोई डिश है अभी? और हाँ जी, बिरयानी बनाई है हमने, वो भी आपको दिखाएंगे दम जब लगेगा उसको। चलें ठीक है। ओके जी, तो ये दिखाते हैं हम आपको अपना बिरयानी का मसाला। बिरयानी का मसाला जो है वो एक दिन पहले हमने रेडी करके रख लिया था, बस अब इसको लगाना है दम। बिरयानी को जो है वो मैं दम लगा रही हूँ। लेयर्स अभी चावल डाले हैं, अब इसमें डालेंगे मसाला। क्या मसाला? क्या मसाला? मसाला इसमें हम ये डाल देंगे। यार मेरा हाथ जल रहा है, तो ये काम ही ऐसा है। ये जो है आखिरी लेयर है जी चावलों की, इसके बाद हम इस पर कलर वगैरह डालेंगे। और हाथ मेरा जल चुका है अच्छी तरीके से। गंदा रंग डाल रहे हैं इसमें। क्या आप बोलो, क्या हुए? पहले क्या बोला था? गाइस आज मुझे बुखार। इसको जो है ना मेडिसिन थोड़ा सा, मैं जो ना वो हमेशा ड्राई थोड़ा सा डालती हूँ, उससे थोड़ा सा डार्क सा कलर आता है। दैट्स इट, अब थोड़ा सा और डालेंगे और इसको दम पे रख देंगे, और फिर इंशाल्लाह इधर देख के फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में विद
अली भाई और अक्सा आपकी तो और आयशा। हाँ आयशा ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।